हाय गाइस, आज हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है तृप्ति धोड़मी से, जो कि है AIR 16 ऑफ 2018 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तृप्ति आई हैं आपके साथ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने के लिए, जो आपको हेल्प करेंगी आपकी यूपीएससी एग्जाम्स क्लियर करने में। वेलकम तृप्ति। सो तृप्ति, सबसे पहले वी वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू फॉर AIR 16 इन योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि वो टॉप 20, टॉप 100 में आए। सो क्या मोटिवेशन था आपके लिए जो आपने 4 अटेम्प्ट्स दिए यूपीएससी के एंड द 4th अटेम्प्ट में आप टॉप 20 में आ गए? सो मोटिवेशन इज लाइक, सबको लगता है मतलब बचपन में कि IAS ऑफिसर बनना है, एंड माई फादर यूज़ टू से कि तुम IAS ऑफिसर बन सकती हो, बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई सेल्फ। आई जस्ट गो विद द फ्लो। आई हैड कम्प्लीटेड माई इंजीनियरिंग इन 2010 एंड आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई कैपेबिलिटी वेदर आई कैन डू दिस जॉब वेल। सो आई जॉइन L&T थ्रू कैंपस प्लेसमेंट, और वहाँ पर मैंने 4 साल जॉब भी किया था। और आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ वर्किंग आई थॉट कि आई हैव सम मोर कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल, सो दैट कैन बी यूज फॉर द पीपल। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग टू अपीयर फॉर द सिविल सर्विसेज। ओनली थिंग इज कि आई वॉज लाइक कि UPSC जो है वो बहुत टफ टास्क है, आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट टाइम, और मुझे मेरा जॉब नहीं छोड़ना था। सो आई वॉज लाइक कि जॉब करते करते मुझे जितना हो सके मैं कर लूँ। सो आई डिसाइडेड टू अपीयर फॉर द स्टेट सर्विसेज फर्स्ट, एंड आई क्लियर स्टेट सर्विसेज इन 2 अटेम्प्ट्स, एंड आई जॉइन एज असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स इन द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। एंड देन आई देन माई कॉन्फिडेंस हैज़ बूस्टेड कि चलो हो सकता है ये, एंड देन आई स्टार्टेड अपियरिंग फॉर द UPSC इन 2015। नाइस। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मोटिवेशन बहुत लो हो जाता है कि बाबा मेरा एक बार में नहीं हुआ क्लियर तो अब मुझसे ये नहीं होगा, या फिर कोई वर्नाक्युलर मीडियम से आते हैं स्टूडेंट्स तो उन्हें ऐसा लगता है कि इंग्लिश मीडियम वाले बहुत स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनके लेवल पे नहीं आ पाऊँगा। तो आपके साथ ये दोनों ही चीज़ें हुई है दैट यू हैव स्टडीड इन मराठी मीडियम एंड यू आर अ मल्टीपल अटेम्प्ट्स IAS ऑफिसर। तो व्हाट इज़ इट दैट स्टूडेंट्स नीड टू नो कि हमने क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, कैसे अपने आप को कंसिस्टेंटली मोटिवेट रखना है 4 अटेम्प्ट्स तक भी अगर लग जाएँ तो? कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, बट फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड नो कि आपको ये क्यों करना है। द कोर रीज़न इज इट सेल्फ बिकम्स द मोटिवेशन फॉर यू कि क्यों करना है। लाइक फॉर मी इट वॉज लाइक आई हैव टू गिव जस्टिस टू माई पोटेंशियल, सो दैट वॉज द प्राइम रीज़न बिहाइंड इट। एंड उसके बाद तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सिलेबस वास्ट है एंड देर इज़ अ कॉम्पिटिशन। दिस एग्जाम इज लाइक नथिंग कि आप 40% मिले और आप पास हो गए, इट्स लाइक यू हैव टू बी इन टॉप 100, टॉप 300 टू अचीव योर डिजायर्ड सर्विस। सो यहाँ पे कॉम्पिटिशन है तो यहाँ पे कंपेरेटिवली स्टडी करना है। सो लोग बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना है, हमें उनसे ज़्यादा बेटर रहना है। लाइक यू ऑल्सो स्पोक अबाउट द मराठी मीडियम, तो मराठी मीडियम का मुझे भी था थोड़ा मतलब इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स था मेरे में कि नहीं लिख सकती हूँ, बट इट केम आफ्टर प्रैक्टिस। सो आई डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आई थिंक आई हैव रिटन टू मेनी टेस्ट पेपर्स अदर देन मेनी पीपल। सो वो होता है मतलब कॉम्पिटिशन में आप कहाँ हो वो आपको समझ में आना चाहिए। आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है मैं मराठी मीडियम में हूँ, पढ़ी हूँ, मेरी थिंकिंग प्रोसेस मराठी से है, बट आई वॉज फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो इतना भी मतलब बुरा हाल नहीं था। और आई जस्ट जज माई सेल्फ, आई इम्प्रूव्ड माई न्यूज़पेपर रीडिंग, आई रीड 2 newspapers फॉर दैट टू हैव अ हैंड ऑफ माई लैंग्वेज, एंड आई रोट अ लॉट बिकॉज UPSC इज़ एग्जाम ऑफ राइटिंग, सो मेन्स हैज़ अ लॉट ऑफ वेटेज, इज 750, ऑलमोस्ट 90% वेटेज इज टू द मेन्स, एंड मेन्स इज अ एग्जाम ऑफ राइटिंग, सो इट इज़ राइटिंग विच विल फेच यू द मार्क्स एंड विच विल गिव यू द रैंक। सो नो योर सेल्फ एंड नो द एग्जाम। राइट, करेक्ट करेक्ट। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी, लाइक आपने कितना टाइम मेंस प्रिपरेशन को दिया, कितना प्रीलिम्स को दिया, एंड सिमिलरली हाउ मच टाइम डिड यू डेडिकेट टू ऑप्शनल एंड योर जनरल स्टडीज? एक्चुअली ये डिफर्ड इन माय अटेम्प्ट्स, मतलब जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो आई वाज नॉट दैट मच सीरियस, तो उस टाइम मैंने कुछ पढ़ाई की नहीं थी, बट इन 2016 आई स्टडीड लॉट ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट द सिलेबस, यू शुड चूज़ यूर रेफरेंसेस वेरी वाइजली।
or stick to the syllabus and stick to the last year question paper. So can you can limit your preparation, because it is said like UPSC mein anything under the sun pushte, aisa nahi hai. You can analyze the pattern of questions, you can analyze the syllabus, and you should find out some strength and weaknesses of yourself. Ki matlab I was very good at economics, to maine uski padhai utni nahi ki. But I was very weak at geography, so I did give a lot of time for geography. I was weak in my optional itself, so I have to put more efforts in my optional. So that varies in my all the four attempts. And fourth attempt was like rectifying the mistakes that I committed in earlier attempts. So what were these mistakes jo aapne rectify ki fourth attempt mein, so that जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ये मिस्टेक्स ना करें, या अगर वो कर रहे हैं तो देन दे कैन रेक्टिफाई इट. सो कैन यू जस्ट पुट सम लाइट ऑन दैट. यस, इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई टोल्ड कि मैंने ऐसे ही जाके दिया था पेपर, एंड दैट वाज द ग्रेव मिस्टेक. आई वेस्टेड माय अटेम्प्ट. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड व्हाइल गिविंग योर अटेम्प्ट. सो दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक. एंड इन सेकंड अटेम्प्ट आई लॉस्ट द मेरिट लिस्ट बिकॉज आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड इन माय ऑप्शनल. So that was a mistake. Then that mistake I rectified this time. I joined two test series. I increased my resources of optional this time. And in third attempt, I lost my third attempt because of my psychological condition. Because when result of second attempt came, I was expecting myself in the list, but I was not there. I lost that list by 4 marks. And after the result, we were having prelims only in 18 days. And I was not in a mental condition, like psychological condition. I was not prepared to give the prelims. फिर भी मैंने जाके prelims दिया. And while writing the prelims also, I was not in that state. I was just analyzing my mistakes in the second attempt. I was like, how can you lose by 4 marks? I was like cursing myself while giving the prelims paper. And that was a foolish thing I have done ever with myself. और वो होना नहीं चाहिए था. एंड आई लॉस्ट दैट प्रीलिम्स अगेन बाई 0.66 marks बिकॉज ऑफ ओनली साइकोलॉजिकल कंडीशन. एंड आफ्टर दैट आई ऑलमोस्ट थॉट कि नहीं करना है ये, मतलब 3 attempts हो चुके हैं, अभी नहीं करना है. एंड आई जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माई जॉब एंड माई फैमिली. इट वॉज माई ओनली माई हस्बैंड हु परस्यूड मी टू गिव दिस फोर्थ अटैम्प्ट. एंड इन दिस फोर्थ अटैम्प्ट आई डिसाइडेड कि अभी जो भी गलतियाँ की हैं मैंने, आई वुड रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स एंड दिस वुड बी माई लास्ट अटैम्प्ट. राइट. सो आई थिंक फैमिली सपोर्ट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. मतलब आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे दो उसमें क्लियर हो जाओ, या फोर्थ अटैम्प्ट दे दो, एट एवरी स्टेज ऑफ यू पी एस सी प्रिपरेशन यू हैव टू हैव दैट पॉजिटिव माइंड सेट एंड द सपोर्ट ऑफ योर लव्ड वंस विथ यू टू सपोर्ट यू. सो लास्ट क्वेश्चन टू यू इज तृप्ति, कि आपने ऐसी कौन सी डेली हैबिट्स डेवलप की थी अक्रॉस दीज फोर अटेम्प्ट्स विच हैज़ हेल्प्ड यू इन कीपिंग योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड कीपिंग यू कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन. बिकॉज यूपीएससी इज अ स्टडी विच कैन नॉट बी डन कि मैंने 2 महीना पढ़ाई कर ली एंड देन आई कैन जस्ट गो एंड क्लियर माई एग्जामिनेशन. द ईयर द टेन्योर इटसेल्फ इज सो लॉन्ग कि बहुत लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, तो ऐसी क्या चीज़ें थी जिसने आपको बहुत हेल्प किया? सो माई डेली हैबिट्स वेर लाइक आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर. आई यूज टू रीड 2 newspapers और वो मैं करके ही ऑफिस जाती थी. माई शेड्यूल वॉज लाइक कि 10 बजे ऑफिस जाना है तो उससे पहले न्यूज़पेपर ख़त्म करना है. सो दैट वॉज माई मोटिवेशन था कि न्यूज़पेपर पढ़ना ही है. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि राइटिंग प्रैक्टिस. एंड आई हैव डेवलप्ड माई हैबिट ऑफ राइटिंग डेली आंसर राइटिंग व्हेन आई यूज टू केम टू होम आफ्टर ऑफिस. सो ऑफिस से आने के बाद क्या होता था कि हम थक जाते हैं, बट आई हैव टू स्टडी. सो मैंने ये किया था कि मैं ऑफिस से आके आंसर राइटिंग कर लूँगी. 4-5 answers लिखने के बाद एक ट्रिगर मिल जाता है कि आई एम वीक इन दैट सब्जेक्ट, आई एम नॉट राइटिंग वेरी वेल. सो दैट ट्रिगर हेल्प मी टू स्टडी फॉर 4-5 hours लेटर. सो दैट वॉज माई हैबिट एंड इट आई डेवलप बिकॉज ऑफ माई शेड्यूल. आई नो कि मैं कहाँ पे वीक हूँ. एंड आई टोल्ड यू कि द कोर रीजन यू शुड नो व्हाई यू आर डूइंग दिस थिंग्स, यू आर बिकॉज यू आर सैक्रिफाइसिंग मेनी थिंग्स फॉर दैट. लाइक आई सैक्रिफाइज माई सोशल लाइफ फॉर दैट. इवन आई एम मैरिड और मैंने बहुत सारे फंक्शंस अटेंड नहीं किए थे. आई यूज इवन आई डिड नॉट अटेंड माई एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ माई ब्रदर. सो बहुत सारे सैक्रीफाइसेस रहते हैं, तो वो भी हमें ट्रिगर करते हैं कि मैंने ये किया है इसके लिए, तो आई हैव टू डू दैट. एंड देर वर सम फनी ट्रिगर्स लाइक
आई यूज टू ड्रीम कि मुझे लबासना की स्टेज पे लावनी करनी है, जो आई हैव परफॉर्म दैट थिंग नाउ. सो दैट वॉज अ फनी ट्रिगर कि नहीं वो करना है तो मुझे पढ़ाई करनी है. सम फनी ट्रिगर्स यू हैव यू नो वेन यू नो यूर सेल्फ. सो दैट ऑल्सो हेल्प मी टू एनकरेज, एंड माई हस्बैंड एंड माई मदर एनकरेज मी अ लॉट फॉर दिस थिंग. करेक्ट करेक्ट. सो नोइंग योर वाई इज द समरी ऑफ एवरीथिंग, इट्स द बेस ऑफ योर प्रिपरेशन. उसके अलावा जो भी अप्स एंड डाउन्स होंगे आपके प्रिपरेशन में, दैट यू विल बी एबल टू ओवरकम विथ एनालिसिस. खुद का स्वॉट एनालिसिस अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली ये आपको प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. एनी लास्ट मंत्रा फॉर द स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? लास्ट मंत्रा इज आई लाइक जस्ट बिलीव इन यूर सेल्फ, डू योर प्रिपरेशन वेरी वेल. एंड दिस इज अ कॉम्पिटिशन, इवन दो आप बहुत सारी तैयारी कर लोगे पर हो सकता है आपको सक्सेस ना मिले, बट मुझे लगता है कि आपको एक टेक अवे लेके जाना है कि जब भी अगर आप फेल भी हो गए तो मतलब एक मेमोरीज आप साथ में लेके जाओ कि ताकि आप 10 साल बाद इस प्रोसेस को देखोगे तो आप उतना ही एंजॉयबल उसको देख पाओ. सो एंजॉय द प्रोसेस. राइट. सो आई थिंक यूपीएससी का प्रिपरेशन ही इतना ट्रांसफॉर्मेशनल होता है एक पर्सन के लिए, बिकॉज यूपीएससी इज़ नॉट जस्ट टेस्टिंग योर नॉलेज, इट इज़ ऑल्सो टेस्टिंग योर पर्सनैलिटी एट मैनी लेवल्स, कि आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो, किस हद तक आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हो, एंड वॉट इज़ योर एक्चुअल पोटेंशियल. तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, वेदर यू सक्सीड और यू फेल, इट इज़ ओनली योर माइंड सेट. बट अगर आप इसको एज अ लर्निंग प्रोसेस रखोगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते वक्त. सो थैंक यू तृप्ति फॉर दीज वाइज वर्ड्स, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विथ अनदर वीडियो दैट विल हेल्प यू इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन. टिल देन ऑल द बेस्ट. बाय बाय.